देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है। प्रेमनगर में नगर निगम, जिला प्रशासन, एमडीडीए, पीडब्ल्यूडी की साझा टीम ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। आज से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ है। एक बार फिर से सुबह 10 बजे से यह अभियान शुरू किया गया। हालांकि व्यापारियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। पहले ही चिन्हित कर लिए गए थे सारे अतिक्रमण। प्रेमनगर से शुरुआत हुई, 4 जोन में बांटा गया है देहरादून को। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। तो अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान, एमडीडीए, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, तमाम विभागों से जुड़े हुए अधिकारी पहुंचे और लगातार प्रशासन का एक्शन जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले यह शुरुआत की गई थी, बीच में रोका गया था, और अब एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हो गई है। देहरादून में 4 जोन में देहरादून को बांटा गया है, जहां पर एक कार्रवाई हो रही है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, प्रशासन का एक्शन और व्यापारियों का विरोध देखने को मिला, लेकिन यह विरोध बेअसर हुआ है। सीधे रुख करते हैं देहरादून की तरफ। जी मीडिया संवाददाता संदीप गोसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कुछ खबर मिल पा रही है, क्या कुछ तस्वीरें हैं अतिक्रमण हटाने की, और क्या प्रशासन को कोई समस्या आ रही है क्या? देखिए, प्रशासन को फिलहाल कोई समस्या नहीं आ रही है। ठीक मेरे पीछे अतिक्रमण अभियान चल रहा है और व्यापारियों का जो विरोध था वो जिन बिंदुओं को लेकर था, उनके बीच अधिकारियों की बातचीत हुई। प्रशासन अभी उस जगह पर उस जगह से अतिक्रमण हटा रहा है जहां पिछली बार हटाया था, और फिर से वहां पर अतिक्रमण कर दिया गया। ये जो दुकानें हैं, आगे का हिस्सा यहां पर इंक्रोचमेंट कर दिया गया था। कई जगह ऐसा है जहां पिलर भी गायब हैं। फोर्स बड़ी संख्या में डिप्लॉय की गई है। पीछे देखिए, बहुत बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉयमेंट है। कुछ दुकानों को आगे का जो हिस्सा है जो आगे बढ़ा दिया गया था, जब अतिक्रमण अभियान पिछले साल सितंबर में ठीक इसी समय शुरू किया गया था। ये देखिए, इस तरीके से जो पूरा 2-2 JCB मशीनें लगी हुई हैं, और अभी केवल आज प्रशासन ने इसी इलाके से यानी प्रेमनगर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की है। कल जो 4 सेक्टर थे, अलग अलग रोड थी, राजपुर रोड थी, रायपुर रोड थी, हरिद्वार रोड और ये चक्राता रोड है, तो इन इलाकों से अतिक्रमण हटाने के लिए अलग अलग टीमें जो पिछले साल बनी थी SDM ADM के नेतृत्व में, इस तरीके से जो कुछ चीज़ें देखिए, पिलर दिखाते हैं, पिलर वो सामने दिख रहा है, उस पिलर के आगे जो उस पिलर के पीछे जो निर्माण है उसको नहीं छुआ जा रहा है, क्योंकि पिछले बार चिन्हीकरण के बाद ध्वस्तीकरण हुआ था और पिलर प्रशासन की तरफ से लगा दिए गए थे, लेकिन कुछ दुकानदारों ने आगे जो पिलर के हिस्से में निर्माण किया था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। एक दुकान आगे थी, उसको पूरी तरीके से डिमोलाइज कर दिया गया है। तो ये आगे का हिस्सा थोड़ा बहुत तोड़ा जा रहा है, लेकिन अब इसके बाद प्रशासन, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो टीम अब इसके बाद जो चिन्हीकरण करेगी, जो सामने का हिस्सा है, ये देखिए पीछे अभी चिन्हीकरण की कार्रवाई अब शुरू होगी। जो सामने का इलाका दिख रहा है, ये जो सामने का पोर्शन है, जो बीचों बीच दुकानें थी, पिछली बार 68 दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई थी। ऊपर जो बिल्डिंग है वो इंक्रोचमेंट में है, तो वो भी चिन्हीकरण के बाद वो उसको ध्वस्त किया जाएगा। तो प्रशासन ने पहले 3 सितंबर को कहा था कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी, उसके बाद 3 को नहीं हो पाया शुरू, फिर 4 को कहा, और फिर आज जो टीमें हैं वो उनके बीच रणनीति बनी, उनको ब्रीफ किया गया DM की तरफ से, उससे पहले SCS जो ओम प्रकाश है उनकी तरफ से ब्रीफ किया गया, और उसके बाद जो सड़क पर हैं जो टीमें हैं वो आ गई हैं। SP City यहाँ पर मौजूद हैं, ADM यहाँ मौजूद हैं, SDM यहाँ मौजूद हैं, भारी संख्या में फोर्स की गई है यहाँ पर डिप्लॉय, और व्यापारियों का जो कहना था उनके बीच भी बातचीत हुई है। तो विरोध अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में विरोध हो सकता है। कांग्रेस के भी कुछ लीडर थे, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी यहाँ पहुँचे हुए थे। कुछ दुकानें थोड़ी बहुत आगे हैं, जैसे शटर आगे कर दिया गया है, तो उसके लिए थोड़ा प्रशासन ने समय दे दिया है कि कुछ समय आपको दिया जाता है, आप शटर जो है जो आगे आप लोगों ने लगाए हैं वो हटा दीजिएगा। पूरे इलाके की लाइट भी काट दी गई है इस समय जहां पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। तो प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में एक अवमानना नोटिस, अवमानना PIL भी दायर हो चुकी है इसी प्रकरण में, कि पिछले साल 27 जून से जब अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी उसको 3 महीने बाद रोक दिया गया था पूरे देहरादून में। सरकार ने भी ये कहा था कि गलियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी, यानी पूरी प्रकरण पर राजनीति भी हुई। हाईकोर्ट में सरकार
कि अधिकारियों को जवाब देना होता है, यानी सीधे जो आदेश था हाईकोर्ट का वो मुख्य सचिव के नाम से था कि मुख्य सचिव इतने समय में पूरे देहरादून के ध्वस्तीकरण करेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन अधिकारियों के समय में अतिक्रमण हुआ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो रिटायर भी हो चुके हों। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि देहरादून का जो बाहरी इलाका है वहां पर हाईकोर्ट के जो निर्देश थे अब उन निर्देशों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने